क्या हुआ भाई साहब, बहुत परेशान लग रहे हैं। कोई परेशानी? अरे यार, ये मेरी गाड़ी बिगड़ गई। इधर कोई गैरेज है क्या? यहाँ तो कोई दूर दूर तक कोई गैरेज नहीं है भाई साहब। आप ऐसा कीजिए, आपको जहाँ भी जाना है मेरी साइकिल ले लीजिए और चले जाइए। आप कार को यहीं छोड़ दीजिए, मैं इसे बनवा कर कल आपको भिजवा दूंगा। अरे वाह, कार के लिए साइकिल? मेरी कार में इतने का पेट्रोल है ना, मेरी साइकिल भी नहीं है। ठीक है भाई साहब, जब आपको विश्वास ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। पास में ही मेरा घर है, अगर आपका विचार बदले तो आ जाना, किसी से भी पूछ लेना। देवा सिंह नाम है मेरा। सुनो, ठीक है, तुम अपनी साइकिल मुझे दे दो और मेरी कार रख लो और अपना नंबर दे दो, कल मैं आके अपनी कार ले जाऊंगा। ठीक है, दे दीजिए, दे दीजिए सर। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। हाँ अरे वो मेरी कार बन गई। अरे भाई साहब, आपकी कार बन गई है, उधर रखिए घर पे। एक मिनट। नहीं, मैंने तुमको बोला था कि उसको 5 लाख रुपया देना है। अच्छा, हाँ, उसको 5 लाख देना और वो मुरारी लाल को 2 लाख रुपया देने उसको, ये तो लाखों की बात और कर रहा जितने भी है बाजार में बकाया वो और ऊपर सब से वसूल कर दिलदार रहे भी ना है, आज। हाँ, इसके साथ कुछ ना कुछ तो झोल तीन करना लाख ही मुरारी पड़ेगा। लाल के पास है। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आपकी कार बिल्कुल टकाटक तैयार है, मेरे घर के पास है, ठीक है ना? और साइकिल रख दीजिए, मैं लेकर चला जाऊंगा। सुना है गांव वाले आ रहा था तो गांव वाले सब लोग कह रहे थे कि आप बहुत दयालु हैं। मजबूरों की मदद करते हैं। तो मैंने एक बिजनेस डाला है और मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, 20 हज़ार रुपये अगर मिल जाते। 20 हज़ार में हो जाएगा? हाँ, 20 हज़ार में हो जाएगा। ठीक है। ठीक। ये लो, और ज़रूरत पड़ेगा तो बोलना। चलते हैं, मैं चलता हाँ हूँ। ठीक है, गाड़ी जाके ले जाना। ठीक है, मैं गाड़ी लेता हूँ। हेलो, हेलो, वो माल की डिलीवरी हो गई क्या? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और भाई सब अच्छा है? मस्त है। अरे मस्त है ना? कैसे आना हुआ? बोलो बोलो, संकोच मत करो। तो बहन की शादी थी तो सब व्यवस्था हो गया है, बस थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे। वो कितना? 40 हज़ार मिल जाता तो हो जाता। 40 हज़ार। कब है शादी बहन की? बस 28 मई को। 40 हज़ार में हो जाएगी ना शादी? हाँ, 40 हज़ार में हो जाएगी। ठीक, तुम 5 मिनट रुको, मैं आता हूँ। हाँ, पैसे लेकर आता हूँ। पैसा बहुत रखा है, जितना लूटना है लूट लेता हूँ अच्छे से, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये लो, 40 हज़ार, ठीक है ना? और ज़रूरत पड़े तो संकोच मत करना, शर्माना मत। बहन की शादी है, मुझे भी इनविटेशन कार्ड दे देना, ठीक है? ठीक है ना? हाँ चलो। खुश लग रहे हो, कोई लॉटरी लग गई क्या? अपने गर्लफ्रेंड को नया नया गिफ्ट दे रहे हो? अरे निशा, लॉटरी नहीं, पैसे का पेड़ मिल गया है मुझे। इस गांव में एक आदमी है, अनपढ़ गवार, एक नंबर का जाहिल है। उससे मैं जब भी पैसा मांगता हूँ वो मुझसे बिना पूछे मुझे पैसा देता है। अभी तो मैं उससे 50 हज़ार रुपये नहीं आ रहा हूँ, अगली बार कोई बहाना बना के उसे 1 लाख रुपये लूंगा। देवा सिंह अपना नाम बता रहा था वो।
नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? क्या हुआ, बहुत उदास नजर आ रहे हो। पापा का तबीयत सही नहीं है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका ऑपरेशन करवाना है तो डॉक्टर 50,000 रुपये मांग रहा है। और अब 50,000 दे देते तो 50,000 में हो जाएगा कि 1,00,000 दे दो? नहीं नहीं 50,000 ही दे दो, हो जाएगा। ठीक है, पहले ये भजन सुन, बहुत ही अच्छा भजन है, किसी ज्ञानी पुरुष ने गाया है। अरे निशा, लौटी नहीं, पैसे का पेड़ मिल गया है मुझे। इस गांव में एक आदमी है, जितने मर के जाहिल है, उसमें जब भी पैसा मांग। क्या हुआ, पसीने क्यों छूटने लगे अपनी ही आवाज सुनकर? सुनो, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारे पास कोई कारवार नहीं है, तू मनोहर लाल सेठ के यहाँ ड्राइवर का काम करता है, तू ड्राइवर है, और तुम्हारे बाप का नाम दिनेश लाल है। तुम्हारी कोई बहन नहीं है, फिर भी तुमने बहन की शादी का नाम लेकर मुझसे पैसे लिए, और अब तक लिए हुए सारे पैसे तुमने अपने गर्लफ्रेंड पर लुटाए। पता नहीं क्यों तुम्हारे जैसे लोग जो दूसरों को ठगते हैं अपने आप को समझदार और दूसरों को गवार समझते हैं। अरे तुषार, हाँ भैया, इधर आ, जरा इसको पता मेरे बारे में। भैया का 10 लॉरी चलता है, 50 एकड़ जमीन है, 5 ट्रैक्टर है और एक राइस मिल भी है। सुन लिया? अरे उस दिन तो मैंने अपने नौकर की साइकिल ली थी, ऐसे ही यूं ही घूमने निकल गया था साइकिल लेकर, और तुमने तो मुझे गंवार ही समझ लिया। उससे गलती हुई, माफ कर दीजिए। ठीक है, चल चल जा। और सुन, आइंदा ऐसा कभी करने की सोचना भी मत, समझा ना? सब मेरे जैसे भले नहीं होते हैं। चल जा।